में मैकडॉनल्ड का काम अच्छा चलता है तो एक और मैकडॉनल्ड मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, राइट? हाँ जी, यस और नो? और दूसरा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, रादर ज्यादा चांसेस है आपको नहीं मिलेगा उसी एरिया के अंदर। कंपनी अगर टोयोटा की डीलरशिप एक बंदे को देगी तो दूसरी डीलरशिप अब गुड़गांव में तीसरी खुल गई है, पहले वाले को नहीं मिलेगा वाला सेंटर, राइट और रॉन्ग? क्योंकि कंपनी चाहती है अच्छा कॉम्पिटिशन होना चाहिए तो कंपनी अपना फायदा देखेगी, मेरे दोस्त तेरा नहीं देखेगी। लेकिन हमारा बिजनेस प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग मॉडल की तरह है जिसमें हम शोरूम्स की एजेंसीज नहीं बनाते, हम अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों की फ्रेंचाइजीज बनाते हैं। यानी गौरव बजाज ये कोशिश करता है कि उसकी टीम के अंदर और गौरव बजाज पैदा होने चाहिए, राइट? और वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट और कोशिश करता है और ट्रेनिंग देता है कि वो सब लोग गौरव बजाज जैसे बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, अगर उन सबके घर में 2,10,000 रुपए हफ्ते का आए तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, इसमें मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है, इस बात की गारंटी है। अगर आपको पैसे आते तो कम करेगी तो कम करेगी, तो मेरा क्या नुकसान है, राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर आपका पक्का हो जाएगा तो मेरे वाला डबल पक्का हो जाएगा, ऊपर से अंबुजा सीमेंट भी लग जाएगा, मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं 2,10,000 रुपए आएंगे, राइट और रॉन्ग? हां जी, यस और नो? तो मैं दिल से चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा? दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसेस कोविड के अंदर बंद हो गए, खत्म हो गए, नेक्स्ट लाइफ पे चलते हैं, राइट ना? जिन पे हमें बड़ा फोकस हुआ करता था, अच्छा 10 करोड़ का सेटअप है, अच्छा 5 करोड़ का सेटअप है, अच्छा 15 करोड़ का सेटअप है, वो आदमी आज की डेट के अंदर दिल्ली के अंदर अपना सेटअप बेच के गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पे था 20 करोड़ का, वहां पे लिया 5 करोड़ का, 15 करोड़ बैंक में एफडी कराई या दूसरा धंधा ढूंढ रहा है, क्योंकि पहले वाला धंधा चौपट हो गया। दैट इज द वर्स्ट मोस्ट प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स जो कोविड के अंदर हुई है, और हर बड़ी कंपनी हर छोटे बिजनेस में घुस रही है, इसलिए बिजनेसमैन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, राइट ना? नौकरियां बढ़ नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रही है, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट ना? हाँ जी, यस और नो? यस। वो सॉल्यूशन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आने वाले हमारे हिंदुस्तान के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? आज की डेट में हर कोई बिजनेस तो ढूंढ रहा है, यस और नो? इस बिजनेस में अच्छी बात क्या है, वो बिजनेस के साथ साथ लो इन्वेस्टमेंट भी ढूंढ रहा है, लो रिस्क भी ढूंढ रहा है, पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं, लो रिस्क भी ढूंढ रहा है, उसके साथ घर से काम हो जाए ये भी ढूंढ रहा है, यस और नो? और मैं पहले वाला काम ना छोड़ू ये भी ढूंढ रहा है, राइट और रॉन्ग? ये सारी चीजें हम लोग ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, राइट ना? इस बिजनेस में ये अच्छी बात है कि ये सारे के सारे फीचर्स जो आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी लोग ढूंढ रहे हैं वो आपके और मेरे इस बिजनेस में उपलब्ध है, माय डियर। तो जहां भी जाएंगे अगर इस बिजनेस को सीख के जाएंगे तो आपका मेरा वेलकम होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेप वन हमने क्लियर कर दिया कि क्या करना है, आज डिसीजन लेना है। कितने लोग डिसीजन लेने को तैयार है? ऐसा तो नहीं है 50,000 रुपए लगा के गरीब हो जाएगा, हाँ जी, या 50,000 रुपए सामने वाले को दूंगा तो कहीं वो तो करोड़पति नहीं बन जाएगा, मिडिल क्लास आदमी है, देखो अपने को अपनी टेंशन कम, सामने वाले की ज्यादा होती है, अपने को अपने दुख से कम प्रॉब्लम है, सामने वाले के सुख से ज्यादा प्रॉब्लम है, सच सच, राइट और रॉन्ग? सही बात है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, ये सर नो? आदमी को तभी तक अपना दर्द ज्यादा लगता है जब तक दूसरा एक और ना मिल जाए जिसका दर्द और ज्यादा हो रहा है, तो अपना भी भूल जाते हैं फिर, सही बात है कि नहीं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में स्टेप वन, मैंने काम को शुरू किया, मैंने पैसे दिए, प्रोडक्ट मेरे को मिल गया, नुकसान होने का चांस नहीं, राइट ना? और सबसे अच्छी बात क्या, आप लकी है आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट, आपको 4-5 स्लाइड दिखाता हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारे एक्स मिनिस्टर्स है, राइट? पिछले जो 2-3 साल हिंदुस्तान के अंदर गए, रूल्स रेगुलेशंस चलते चलते पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, 1 साल पहले इस बिजनेस में लॉ आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इस बिजनेस को ले लिया अपने अंदर, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट माय फ्रेंड्स। इसका मतलब यह है कि हमारा भविष्य सेफ है, आपके बच्चे मेरे बच्चे आने वाले समय में एक साथ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। आप किसी भी डेवलप कंट्री में जाइए, वहां पे बैंक का फॉर्म भरिए, वहां पे फील्ड बना होता है डायरेक्ट सेलर के लिए, पता है आपको? यहाँ पे तो नहीं होता ना, यहाँ पे तो क्या लिखा होता है, एम्प्लॉयड नॉन एम्प्लॉयड, यस और नो? सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, शॉप, ये सब होता है, वहां पे एक डब्बा लगा होता है, उसके आगे लिखा होता है डायरेक्ट सेलर नेटवर्क, वो काम अभी होना बाकी है, और ये लॉ आने से वो वाला काम जल्दी हो जाएगा, तो मतलब सरकार भी सोच रही है, तो इस बिजनेस की अभी असली उड़ान तो अभी बाकी है। ये जो 8-10-20 करोड़ हमने इकट्ठे करे हैं और मेरे जैसे ने 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठे करे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये लॉलीपॉप और टॉफी की तरह है, राइट ना? रियल काम हिंदुस्तान के अंदर अब शुरू
होने वाला है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में डाउट था, लेकिन अभी इस बिजनेस के अंदर लॉ आ गया। चलिए क्योंकि आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट बूमिंग इंडस्ट्री है, फॉरेन के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं, नेक्स्ट बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, वैरन बफेट जैसा सबसे अमीर आदमी भी ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा निवेश कर रहा है, और हमारे लिए एक और जैकपॉट है कि हम इस बिजनेस में जो चीज चाहिए, इस बिजनेस में क्या चाहिए, हम क्या ढूंढ रहे हैं, लोग। हाँ जी, बाकी लोग कुछ और ढूंढ रहे हैं। देखा जाए तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, और ऐसे लोग जो जिंदगी में लाइफ में ऊपर बढ़ना चाहते हैं, राइट ना। तो लोग तो वही मिलेंगे जहाँ पे लोग होंगे, राइट ना। और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कहाँ है, राइट ना, इंडिया और चाइना। जिस स्पीड से लगे हम चाइना को भी बीट कर देंगे एक दिन, राइट ना। तो वी आर लाइक टॉप मोस्ट कंट्रीज, इस बिजनेस को करने के लिए लोग चाहिए, वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आप सीरियस हो गए इस समय 2023 के अंदर, तो आपका आने वाला भविष्य सेफ है कि नहीं? यस सर। और आप जो ये काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो नौकरी जो कर रहे हैं आप, वो आपकी अगली जनरेशन को मिलेगी नहीं मिलेगी, वो दुकान या वो शोरूम जिसपे आप बैठे हैं उसके बगल में उससे बड़ा शोरूम खुलेगा या नहीं खुलेगा, आपका बच्चा बैठेगा नहीं बैठेगा, लेकिन ये बिजनेस तो डेफिनेटली आपकी फैमिली को मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट इज द बिगेस्ट थिंग माय डियर। सो वी आर लकी, हम लोग माई लाइफ स्टाइल बिजनेस के अंदर है, और इस बिजनेस में चार चीजों को समझिए, अगली बार हम लोग आपको ट्रेनिंग में बताएंगे डिटेल में, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में अगर करियर बनाना है तो क्या बनाना है, करियर। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे लोग आपके हो सकता है घर भी आए हो, आपसे मिले भी हों, किसी ने एमएनसी कंपनी की बात करी हो आपसे, राइट ना। फॉरेन की कंपनीज हैं जो इस बिजनेस को 50 सालों से 70 सालों से कर रही है, आपने नाम भी सुना होगा, मैंने भी ऐसे बहुत सारे नाम सुने थे। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पिछले 10 सालों से 15 सालों से 20 सालों से इस बिजनेस को कर रही हैं, लेकिन आपके साथ सबसे अच्छी बात क्या है, आप जिस कंपनी की इस मीटिंग के अंदर प्रोग्राम में बैठे हैं उसकी जैसी ये चार चीजें, राइट, मार्केट की, वर्ल्ड की किसी भी कंपनी के अंदर नहीं है, राइट ना। हमारे जैसे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट के पीछे हमारे साइंटिस्ट और मैन्युफैक्चरर, मैं चैलेंज देके ये बात बोल रहा हूँ, गौर कीजिएगा, राइट ना। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट उठा लीजिए, जितनी पुरानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर, ये बिजनेस जितना पुराना है, हमारे साइंटिस्ट, हमारा मैन्युफैक्चरर और आयुष मंत्रालय उससे भी ज्यादा पुराना है। माय डियर, कहीं नहीं मिलेगा आपको इतनी ज्यादा क्वालिटी और इनकी रिसर्च बेस्ड और इतना ओल्ड मैन्युफैक्चरर जो इतने सालों से सामान बना के फॉरेन में दे रहा है, वो हमारे प्रोडक्ट्स को बना रहा है, माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट नहीं है, सोना है। हमारा इनकम प्लान सिंपल और अनकंडीशनल, यही कारण है हमारे साथ कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कामयाब है और MBAs, डॉक्टर, CAs इस प्रोफाइल के लोग भी कामयाब है, क्योंकि हमारा इनकम मॉडल बहुत सिंपल है। सपोर्ट सिस्टम के लिए हमारे पास हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, जिनके ऑफिस में हम यहाँ पर बैठे हैं, कंपनी ने ये हेल्प भी कर रखी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनर्स हैं, इसके अलावा ये हॉल हमारे पास है, राइट। और सबसे अच्छी बात क्या, हम सबके मेंटर मिस्टर दीपक बजाज हमारे साथ हैं। आप में से होम शॉपिंग कितने लोगों ने शुरू कर रखा है इस बिजनेस को, होम शॉपिंग से वो एक बार हाथ खड़ा करिए, लीडर्स भी हाथ खड़ा कर सकते हैं जिन्होंने होम शॉपिंग, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, जब ये मीटिंग खत्म हो जाए तो उनसे इस वर्ड का मतलब समझ के जाइएगा। अगर एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए इस बिजनेस में कमाता है, लेकिन अगर उसने होम शॉपिंग लगा रखी हो तो वही व्यक्ति 2-2.5 करोड़ रुपए कमा सकता है। कितनी इंपॉर्टेंट है होम शॉपिंग लगाना इस बिजनेस में। तो मैंने और मेरी फैमिली ने 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट से शुरू किया, ये मेरा अभी का सेटअप है, 3-4 लाख रुपए का प्रोडक्ट मैं रखता हूँ, राइट ना। और इस 3-4 लाख रुपए के प्रोडक्ट से महीने का 3-4 करोड़ का बिजनेस मैं कर देता हूँ, राइट। मीटिंग के बाद जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उससे समझ के जाइएगा, ये गौरव बजाज ने होम शॉपिंग क्या बोली थी, इसका क्या मतलब होता है, होम शॉपिंग का क्या बेनिफिट होता है, और मेरे को भी किससे बिजनेस शुरू करना है, किससे बिजनेस शुरू करना है। होम शॉपिंग का मतलब बहुत सिंपल होता है, इससे रिटेलिंग से भी आपका बेनिफिट बढ़ जाता है और सेम मेहनत करके आपका इनकम डबल और ट्रिपल हो जाता है, तो समझ के जाइएगा, राइट ना। एक लड़का जो ढंग से बात नहीं कर पाता था, सेल्स मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, राइट ना, टांगे कांपती थी, माइक कांपता था, बोलना कुछ और होता था, बोल कुछ और देता था, वो कोई और नहीं था, वो गौरव बजाज जी था, जो आज इतने कॉन्फिडेंस से आपके सामने बात कर रहा है और किसी भी स्टेडियम में भी खड़ा होकर बात कर लेता, राइट ना। दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली इन दिस बिजनेस, माय डियर। देखो कितने दुखी है सारे के सारे बेचारे, क्यों, क्योंकि ताऊ जी ने भी, ताई जी ने भी, राइट ना, मम्मी ने, पापा ने अपने काम छोड़ के क्या अपना लिया, माइनस है, इसलिए सारे के सारे 10 बंदे दुखी हैं। 11वां इसमें हमारा डॉगी है ओशन, वो आया नहीं इस फोटो के अंदर, राइट ना।
इसलिए बाहर भी घूमने जाना पड़ता है राइट ना, वो भी एक तरह से मजबूरी सी समझो। आप क्या करोगे इतनी सारी जगहों पे इतनी बार चले जाओ, तो हमारे घर में डिस्कशन पता क्या होती है, हमने बाहर जाना है तो हमारे घर वाले लिस्ट लेके आते हैं, मर जाएंगे लेकिन इन 10 जगहों पे कभी नहीं जाएंगे दोबारा। इसकी जगह अगर कहीं और लेके जाना है तो जाने को तैयार है, नहीं तो हम घर में ही खुश है राइट ना। और एक दिन था मेरे घर में फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन नानी का घर और दादी का घर होता था माय डियर फ्रेंड्स। दादी ने कभी हमें प्यार किया नहीं तो नानी के चले रहते थे हम लोग, आपके घर का मुझे पता नहीं राइट ना। जिंदगी 5 स्टार नहीं 7 स्टार होगी, और साइकिल और मोटरसाइकिल से सफर मैंने शुरू किया राइट। इस टेढ़े डंडे की साइकिल पे चलते थे, इस बजाज चेतक स्कूटर को टेढ़ा करके पिक मारते थे तो ये स्टार्ट होता था राइट ना। यहाँ से जिंदगी को शुरू किया, मोटरसाइकिल पे जाके लोगों को प्लान दिखाता था राइट ना। जब ये बिजनेस मेरे पास आया उस समय मैं जॉब कर रहा था, यहाँ से अपने सफर को तय करके रेंज रोवर तक पहुंचने का जो सफर है उसकी बीच की गाड़ियां छोटी मोटी कोई 2 लाख की, कोई 4 लाख की, कोई 10 लाख की, 15 लाख रुपए की आती थी। फाइनली दिस इज द सिचुएशन टुडे राइट। इसमें थार की फोटो रह गई है क्योंकि वो रीसेंट एडिशन राइट। थैंक यू सो मच। ये हमारे दीपक बजाज जी हैं, इनके लिए पावरफुल है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा डायरेक्ट सेलर व्यक्ति है राइट ना, जिसके पास 4 किताबें हैं डिफरेंट जो 8 भाषाओं में है, 9वीं पंजाबी है जो अगले महीने आ जाएगी। इज अ बेस्ट सेलिंग ऑथर राइट ना माय डियर फ्रेंड्स, उनके पास 4 किताबें राइट। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम किया जिसके लिए लोग फॉरन से चल कर आए। अभी तक हमारे जैसे बहुत सारे लोग फॉरन में जाते थे राइट ना, फॉरन ऑथर्स को, फॉरन डायरेक्ट सेलर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने और उनकी वर्कशॉप्स को अटेंड करने। इज द फर्स्ट गाय इन इंडिया जिन्होंने पहली बार ऐसा करके दिखाया कि 10 देशों से लोग फ्लाइट पकड़ के उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और उस प्रोग्राम की टिकट 5,000 से शुरू होकर जो लोग आगे आगे बैठे थे जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए लोगों ने 40,000 से 50,000 रुपए का फीस पे किया। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स सच ए पावरफुल मैन, मिलना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति से? यस, पक्की बात है। Yes. आप लोग लकी हैं। ये तीसरी और आखिरी चीज बता के अपनी बातचीत को मैं खत्म करता हूँ, लेकिन जो फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है आज आपकी सिचुएशन बिल्कुल यही होने वाली है। कोई नया व्यक्ति बता सकता है इस फोटो के अंदर क्या है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? और क्या दिखता है इस फोटो के अंदर? अभी पानी भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, डिसीजन लेना पड़ेगा। और कोई कुछ और ऐड करना चाहेगा? सर हिम्मत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक बात है। और थोड़ा अलग है, कोई फोर्स भी लगानी पड़ेगी बात। मौका है, अभी मौके के हिसाब से छलांग लगा लो, फिर मौका जब पानी नीचे लगा तो पहले मतलब है समय निकल जाएगा, फिर बाद में इनकी शक्लें देखना एक बार, इनको कैसा महसूस हो रहा है? इनमें से कोई खुश नजर आ रहा है आपको?